नजर डालेंगे नगर की प्रमुख हलचलों पर। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन अपनी लंबित मांगों को लेकर हुए लामबंद, प्रदेश शासन की वादा खिलाफी से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदेश शासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन की हड़ताल शुरू। बदमाशों पर कसता कानून का शिकंजा, माणकचुक थाना क्षेत्र में व्यापारी को धमका कर रुपयों की मांग करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, माणकचुक थाना पुलिस ने बदमाश को किया न्यायालय में पेश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आरपीएफ के भर्ती वाले विज्ञापन पर रेलवे मंत्रालय ने दी सफाई, फर्जी विज्ञापन के झांसे में ना आए, सावधानी बरते। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विराट 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ प्रारंभ, श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, कमाया पुण्य लाभ। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए प्रदेश संगठन के निर्देशन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। विगत दिनों जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन द्वारा सामूहिक रूप से अवकाश लेकर अपनी लंबित मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाया जाएगा, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा लैब टेक्नीशियनों की वाजिब मांगों की ओर प्रदेश शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए प्रदेश संगठन के निर्देश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप जहां जिला अस्पताल की लैब का कामकाज प्रभावित हुआ, वहीं कर्मचारी द्वारा अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए जिला अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश शासन की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। अधिकारी कर्मचारी संगठन प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया, आज हमारे हड़ताल का पहला दिन है। हमने 9 तारीख को एक सांकेतिक रूप से जो है सामूहिक अवकाश लेकर पूरे प्रदेश में यह प्रांतीय मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज का प्रांतीय आह्वान है, जिसमें 13 सूत्री मांगे हैं और हमने 9 तारीख को जो है सामूहिक अवकाश लेकर एक सांकेतिक हमने सरकार को सूचना दी थी कि हम लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। सूचना सभी जगह सभी वरिष्ठ कार्यालयों में दी जा चुकी है पहले से। आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत है, जिसके तहत रतलाम जिले के सभी लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट सभी लोग प्रांतीय आह्वान पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए। माणकचुक थाना पुलिस ने व्यापारी को फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकाने के साथ रुपए की मांग करने के मामले में फरार बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जिस प्रकार से बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस भी अब मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करते हुए बदमाशों के हौसले पस्त करने में लगी हुई है। विगत दिनों शहर के माणकचुक थाना अंतर्गत एक कारोबारी को फोन कर पैसे के लिए धमकी दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा धमकी देने के मामले में अजय उर्फ अज्जू नामक युवक के खिलाफ धारा 507 और 385 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। उक्त मामले में बदमाश अजय उर्फ अज्जू की तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई थी। पुलिस को उक्त बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने उक्त बदमाश का मेडिकल करवाते हुए उसको न्यायालय में पेश किया। दरअसल चांदनी चौक निवासी अतुल अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस ने धमकी देने के मामले में अजय उर्फ अज्जू नामक युवक के खिलाफ धारा 507 और 385 के तहत प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें व्यापारी ने बताया था कि मोबाइल पर फोन कर आरोपी ने फरियादी से गाली गलौज कर अवैध रूप से पैसे की मांग की थी, जिसके बाद माणकचुक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने कार्रवाई करते हुए उक्त बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। सोशल मीडिया पर रेलवे सुरक्षा बल में 19,800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती का एक फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। कहते हैं कि सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, लेकिन जितने फायदे हैं उससे ज्यादा ही सोशल मीडिया के नुकसान भी है। सच 2 कदम चलता है और झूठ 1,000 कदम दौड़ लगा देता है, ऐसा ही कुछ एक वाक्य एक रेलवे भर्ती के मामले में उस वक्त देखने को मिला, जब रेलवे सुरक्षा बल के 19,800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती करने की जानकारी मिल रही थी। उक्त बात का खंडन करने के लिए रेल मंत्रालय को आगे आना पड़ा। जानकारी अनुसार सोशल मीडिया पर रेलवे सुरक्षा बल में 19,800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती का एक फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती
अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कोई भर्ती की सूचना जारी नहीं की है। रेल मंत्रालय द्वारा पत्र जारी कर ऐसी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने से इनकार किया है। RPF में भर्ती के नाम पर चल रहे इस फर्जी विज्ञापन से सतर्क रहने की अपील रेल मंत्रालय ने की है। फर्जी भर्ती की जानकारी रेलवे को मिलने के बाद रेल मंत्रालय से पत्र जारी कर फर्जी भर्ती के विज्ञापन से बचने की अपील की गई है। पत्र में सूचना दी गई है कि रेल मंत्रालय या RPF द्वारा अपनी अधिकृत वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों में ऐसी कोई भर्ती की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सोशल मीडिया में चल रहे भर्ती के विज्ञापन को रेल मंत्रालय ने पूर्ण रूप से फर्जी करार दिया है। चलिए भक्तों, चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी प्लीज, सब पापा को बाहर खाना खाने के लिए मनाओ ना। मैं नहीं बोलूंगी पापा को, पापा आए तो तुम ही बात कर लेना। मैं आज आल की सब्जी बनाऊंगी, तुमको वही खाना है। लो आ गए तुम्हारे पापा, संभालो अपने बच्चों को। क्या हुआ, आज फिर बाहर खाना खाने की जिद कर रहे हैं? आज हमारे स्टाफ में बात चल रही थी कि रतलाम में एक नया रेस्टोरेंट और भोजनालय खुला है। हमारे स्टाफ के कुछ लोग खाना खाकर भी आए, बड़ी तारीफ कर रहे थे उस खाने की, और उसका मेनू तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। अरे बजट भी कम है। तो चलो फिर। चलो बच्चों तैयार। हमारी विशेषताएं कंडे के सिके बाफले, पानी है और चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी। केसर कस्तूरी फैमिली रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, गणगोरिया हनुमान जी के पास, कनेरी रोड, रतलाम। फोन नंबर 831-9022-320। बड़बड़ सैलाना रोड पर सड़क पर गिरी गिट्टी हादसों का आमंत्रण दे रही है। कहने को तो शहर में कई जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन एक भी जिम्मेदार ईमानदारी से काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण लगता है कि शहर के व्यस्ततम क्षेत्र बड़बड़ रोड के समीप एक डंपर चालक ने लापरवाही दिखाते हुए सड़क पर गिट्टी बिखेर दी, जिसकी वजह से सुबह शाम बड़े बड़े हादसे घटित हो रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पुलिस और एम्बुलेंस का वाहन भी गिट्टी में स्लिप होकर आपस में टकरा गए, लेकिन प्रशासन बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विराट 24 कुंडी महायज्ञ के प्रथम दिन नगर की धर्म प्रेमी जनता द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। कोरोना संक्रमण की वजह से कई सार्वजनिक एवं बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदियां लगी हुई थी। उक्त पाबंदी खत्म होने के बाद गायत्री परिवार द्वारा रतलाम शहर में पहला बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विराट 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक राजीव गांधी सिविक सेंटर में किया जा रहा है। आयोजन के क्रम में आज बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य एवं नगर की धर्म प्रेमी जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए विराट 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ में आहुतियां देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रभु संगीता राठौड़ के साथ समाज सेवी राजीव रावत, जनक नागल, पुरोहित शिवपाल छपरी, गायत्री परिवार के प्रमुख ट्रस्टी पातिराम शर्मा के साथ विवेक चौधरी आदि श्रद्धालु जन मौजूद रहे। सूर्यतावती तया यज्ञम निमिक्षतम उपयाम गृहीतो शिष्यभ्याम वैशते यो निर्माद्भिभ्याम त्वा ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापय। क्रीड़ा भारती एवं चेतन काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित 23वें खेल चेतना मेले का समापन नेहरू स्टेडियम में पुरस्कार वितरण के साथ समारोह पूर्वक हुआ।
क्रीड़ा भारती एवं चेतन निकाश्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित 23वें खेल चेतना मेला का समापन नेहरू स्टेडियम में पुरस्कार वितरण के साथ समारोह पूर्वक हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सांसद सुधीर गुप्ता, विशेष अतिथि भाजपा जिला प्रभारी प्रदीप पांडे, विधायक दिलीप मकवाना, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा रहे। अध्यक्षता क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष फाउंडेशन अध्यक्ष विधायक चेतन निकाश्यप ने की। महापौर प्रहलाद पटेल, नगर निगम अध्यक्षा मनीषा मनोज शर्मा, क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मजावदिया, आयोजन समिति सचिव मुकेश जैन, मंचा सिंह रहे। मुख्य अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1999 से लगातार खेल चेतना मेले के माध्यम से स्कूली बच्चों को मैदानों में जुटाने एवं पुरस्कार देने का क्रम चल रहा है। विधायक चेतन काश्यप ने जो अभियान रतलाम से शुरू किया वह वृहद स्तर पर रतलाम सहित मंदसौर और नीमच जिलों तक चल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कर रहे हैं जिससे दुनिया में देश का डंका बज रहा है। जो जो बच्चे अपने माता पिता की इच्छा और उनकी क्षमताओं से अधिक काम करेंगे परिवार के लिए और देश के लिए, जैसे मोदी जी करते हैं, जैसे भारत में जितने अच्छे लोग देश से प्यार करके पूरे अनुशासन में रहकर जीवन में काम करते हैं, आप में से जो जो अनुशासन में रहकर माता पिता का सम्मान करते हुए अपने मम्मी पापा की कैपेसिटी से भी ज़्यादा परिवार में उन्होंने जो किया उससे ज्यादा काम करने वाला, वो मेरे साथ एक बार नारा लगाएगा। विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि 23वें खेल चेतना मेला में इस बार 100 से अधिक स्कूलों के 7000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इन 25 वर्षों के सफर में रतलाम व अंचल से कई बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं। खेल के क्षेत्र में दुनिया के कई बड़े आयोजनों को करने में भारत अब आगे बढ़ रहा है। दुनिया के बड़े आयोजनों को करवाने में भारत अब आगे बढ़ने लगा है और निश्चित हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी अनुराग ठाकुर जी ने 2032-34 के ओलंपिक के बारे में अपनी मांग रखी है और मुझे उम्मीद है कि वह मांग पूरी होने तक भारत के कई बच्चे आगे बढ़ेंगे। और मैं आज रतलाम के बच्चों से भी आह्वान करता हूं कि वे अगले 10-12 सालों में उस तैयारी में जुट जाए कि अगले ओलंपिक में रतलाम का नाम रोशन करने की क्षमता इन बच्चों में आए, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ। जिला प्रभारी प्रदीप पांडे ने कहा कि विधायक चेतन काश्यप के बारे में एक ही लाइन बोलना चाहता हूं कि समाज जीवन में अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन इनके जैसे व्यक्ति समाज की हर विधा के अंदर कदम से कदम मिलाकर समाज और राष्ट्र का कल्याण करने में आगे रहते हैं। आरंभ में स्वागत भाषण क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मजावदिया ने दिया। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति की ओर से खेल सलाहकार, खेल संयोजकों सचिव प्रद्युमन मजावदिया, सह सचिव अजीत छाबड़ा, क्रीड़ा भारती सचिव अनु शर्मा ने किया। मेले का समापन जिला क्रीड़ा अधिकारी आरसी तिवारी ने अंत में खेल चेतना मेले का ध्वज चेतन काश्यप को भेंट कर किया। बोहरा विजेता कबड्डी टीम चैंपियनशिप नेशनल स्कूल और यहीं से। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन अपनी लंबित मांगों को लेकर हुए लामबंद, प्रदेश शासन की वादा खिलाफी से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदेश शासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन की हड़ताल शुरू। बदमाशों पर कसता कानून का शिकंजा, माणकचुक थाना क्षेत्र में व्यापारी को धमकाकर रुपयों की मांग करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। माणकचुक थाना पुलिस ने बदमाश को किया न्यायालय में पेश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आरपीएफ के भर्ती वाले विज्ञापन पर रेलवे मंत्रालय ने दी सफाई, फर्जी विज्ञापन के झांसे में ना आए, सावधानी बरते। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विराट 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ प्रारंभ, श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, कमाया पुण्य लाभ।